सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, हमारे ऑनलाइन स्टडी के न्यू इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। तो अब इस इनिशिएटिव के इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट का तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी दो लेक्चर करवा कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार उनको जाके भी देख लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से बेसिक्स है। उनको देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। तो अब चलो, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन काम देते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपका टास्क है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना वापस अपने वर्क पे आ जाते हैं, अपने काम पे आ जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट आज से हम टॉपिक कराएंगे फेज रिलेशन बिटवीन एसी वोल्टेज एंड एसी करंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट एंड फेजर डायग्राम। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती करंट होता है ना, एसी करंट एंड एसी वोल्टेज के बीच में, उनके बीच में कलांतर, कला के बीच में उनका फेजर डायग्राम कैसे बनता है और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम प्रूव करेंगे। तो पहले इसमें भी तीन के लिए होता है, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है, एक शुद्ध प्रेरक के परिपथ होता है, और एक होता है धारितीय परिपथ के लिए भी होता है, और फिर उसके बाद आता है कंबाइंड का RL RC, यानी प्रेरक और वो जैसे युग्म बनाते ना, जैसे एक R हो गया, एक L हो गया, एक C हो गया, पहले तो इनका अलग अलग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसका इसके साथ, फिर इन तीनों का एक साथ, ऐसे इनको मिक्स करके भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं शुद्ध प्रेरक या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, यानी प्योर रेजिस्टिव डायग्राम, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। इससे साफ पता चल रहा है इसमें सिर्फ प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक अंडरस्टैंडिंग करने, समझने के लिए। तो ये हमारे हैं प्रत्यावर्ती धारा का साइन, प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसका वी है, और वी को हम पता है वीएम साइन ओमेगा टी होता है, मैक्स मान ले एम, यानी मैक्स वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जनरल फॉर्मूला इसका। ये हम इतनी देर दिनों से कराते आ रहे हैं, तो ये तो याद हो जाने चाहिए। तो इसमें प्रतिरोध है, यानी एक जगह पर प्रतिरोध भी लगा होगा, वो मैंने मान लिया यहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे मान लिया, यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये प्रतिरोध का मान कितना है, आर है, अब मैंने मान लिया करंट इधर बह रही है, आप इधर मान सकते हो, किधर ही मान लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं देखेंगे कि जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका वोल्टेज का, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है हमारा वोल्टेज का। अब हम आगे करेंगे कि क्या करें, अब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा होगा इससे पहले, 6 नंबर या जो भी 5th नंबर का चैप्टर है, अप्लाई क्या यार, CHOFF किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का लॉ पड़ा होगा। एक बंद परिपथ में कंप्लीट एक लूप होता है, जैसे ये लूप बन रहा है पूरा बंद, इसमें नेट वोल्टेज का मान जीरो होता है, ये किरचॉफ्स लॉ कहता है, ये आपने पहले लेक्चर आ चुके हैं उनमें पढ़ा होगा, तो वो अप्लाई करते हैं। तो मैं ले रहा हूं, मैंने मान लिया इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसमें टोटल नेट वोल्टेज वी नेट कितनी होगी, जीरो होगी, नेट वोल्टेज कितनी होगी, जीरो होगी। तो मैं पहले ये वाली वोल्टेज मान ली, ये कितनी है, वी है, फिर इस डायरेक्शन में गया मैं, यहां से यहां जा रहा हूं और करंट भी इधर ही बह रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव होती है, तो यहां पे मैंने मान ली वी, मान ली तो ये माइनस वी आई नेगेटिव होती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट बहती है उसी डायरेक्शन में चलती है, तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव ले ही जाती है। तो वी आई इक्वल टू जीरो, तो वी आई यानी जो इस यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वी आई किसके बराबर होगी, इस वी के बराबर होगी, मैंने इसको इधर भेज दिया तो वी के बराबर होगी, और वी की वैल्यू क्या है हमें पता है, वी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, वी मैक्स साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब लिख ले, अब इसके बाद मैं वी आई को क्या करूं, वी आई को मैं लिख सकता हूं, हमें पता है ये वी है यहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ पे एक प्रतिरोध आ रहा है, तो करंट मुझे चाहिए, वी का तो फॉर्मूला पता है, अब मुझे इससे मुझे आई का फॉर्मूला ड्राइव करना है, आई का फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो मुझे पता है एक प्रतिरोध होता है और वोल्टेज पता होती है, तो हम करंट कैसे निकालते हैं, वी बराबर आई आर होता है, क्योंकि एसी करंट तो यहाँ पे, ये तो एक अलग परिपथ आ गया, एक अलग प्रतिरोध आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई आर, आर मुझे दे रखा है, आई मुझे पता नहीं है, वो फाइंड करना है फॉर्मूला उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वी मैक्स साइन
ओमेगा टीवी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब मैं आर को नीचे डिवाइड कर दूंगा कुछ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ करंट, क्योंकि मुझे रिलेशन बिटवीन एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना है, इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है कि कलांतर, यानी इनके बीच में जब ये फ्लो करती हैं तो उनके कला के बीच में, यानी कब कौन पहले ज्यादा आगे पीछे होती हैं, तो ये रिलेशन निकालना है। वो फॉर्मूले से पता चल जाता है, एक बार फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया तो उससे अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। तो भी बराबर आई आर आर से डिवाइड करूंगा तो आई क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, उतार लिया, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पॉज करके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी अपॉन आर आ गया, देख लो यहाँ पे भी वी अपॉन आर आ गया। वी अपॉन आर क्या होता है, आई होता है, हमको पता है, लेकिन वी मैक्सिमम है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर ऊपर मैक्सिमम है तो जो जिस वैल्यू की भी हमें जैसे मान निकालना है, सी बराबर टी अपॉन के है मान लो कोई भी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ऐसे इधर मैक्सिमम है तो जो आई आएगा उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम ही आएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद इस जगह पे जा रहा है बोर्ड, तो ये आई बराबर आई मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब हमें ये देखो, हमने जो चाहा था आई करंट का और टी के साथ रिलेशन आ गया, हमारा पूरा करंट का एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखो हमने V से ये निकाला और V को दोबारा से एक बार यहां पे लिख लो, V max sin omega t। अब बताओ ये क्या है, एंगल इनके बीच साइन का, एंगल साइन के अंदर जो आता है वो एंगल होता है, इसमें एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल में कोई डिफरेंस आ रहा है, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ। सो देख सकते हैं कि ये दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं, इधर भी ओमेगा टी आ रहा है और इधर भी ओमेगा टी आ रहा है, यानी इनके बीच में कलांतर क्या होता है, कलांतर क्या होता है, कलांतर जीरो होता है, कलांतर कितना होता है, जीरो। किस में होता है, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, सर्किट में कलांतर क्या होता है, जीरो होता है। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये आपने उतार लिया होगा तो मैं इसको ड्राइव किया था, इसको उठा देता हूं एक बार, तो देखो मैंने बनाया यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा, ये बना दिया मैंने, है ना, बना दिया। अब मैंने देखा कि यानी ये इन दोनों के बीच में एंगल फिक्स है भाई, एंगल दोनों में सेम है, यानी टी की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो सेम आर नीचे होगा, सेम बराबर होगा ऊपर नीचे, मतलब इनके बीच में कलांतर जीरो है, इनके बीच में कलांतर जीरो, यानी जब ये वोल्टेज ऊपर जाएगी तो वो करंट भी ऊपर जाएगा, और वोल्टेज नीचे आएगी तो करंट भी नीचे ही आएगा। तो पहले मैं वोल्टेज का बना देता हूँ, वोल्टेज का ऐसा बना दिया मैंने, एसी करंट में, यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एसी करंट होता है एसी में प्रत्यावर्ती धारा में, ज्यामितीय साइन के कर्व के रूप में आता है, इससे पहले भी हमने ये बता चुके हैं, तो इसको बार बार से बताने की जरूरत है ही नहीं, बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये क्या है, टाइम ग्राफ है, और इधर क्या आएगा, ये वी, ये क्या हो गया वी का, तो यहाँ पे वी की क्या वैल्यू आ गई, मैक्सिमम आ गई, वी मैक्सिमम आ गई। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई का भी बनाएंगे। तो देखो जैसे जैसे ये बढ़ेगी, वी बढ़ेगी, तो आई भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो इसके साथ ही साथ बढ़ेगी, पर इससे नेट वैल्यू से कम रहेगी, इससे नेट वैल्यू इसकी कम रहेगी, जो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू है, मापांक वैल्यू है, इससे हल्की सी कम रहेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आई होता है वो वी में आर का डिवाइड करने पे ही आता है, और आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, आर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू से, तो वी की वैल्यू से तो कम ही आएगी ना। सपोज कर लो वी की वैल्यू चार है और आर टू है, तो आई क्या आएगा, वी अपॉन आर चार बटा दो, यानी दो, यानी वी से तो कम ही हो गया ना, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू हल्की सी कम आएगी, हल्की सी कम आएगी। ये क्या हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा, मैंने बताया था, एक पूरा सा चक्कर हो गया, यानी एक पूरा आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल को क्या टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, पूरा टी हो जाएगा, ये हाफ है, टी बाई टू हो जाएगा। तो बस इसको डिनोट कर देते हैं, इधर वी आ रहा है, इधर ये क्या हो जाएगा, ये आई का ग्राफ है, किसका है, तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम, मैक्सिमम आई की वैल्यू, उसके बाद फिर कम हो रही है, फिर वैसे बढ़ रही है, तो ऐसे चलेगा। तो एक तो आई और वी के बीच में डायग्राम हो गया, और एक और बताते हैं आपको, इसको मिटा दें एक बार, नोट कर लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
शुद्ध प्रतिरोधीय प्रतिरोधीय परिपथ में फेजर आरेख में फेजर आरेख। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें वी और आई के बीच में रिलेशन निकालना। भाई जब शुद्ध प्योर रेजिस्टिव होता है तब कैसे उनके बीच में रिलेशन होता है। अभी तो देखो दोनों में कलांतर सेम आ रहा है तो एक जैसा वो बना, शेप बनी। अभी आगे अब आप पढ़ोगे, अब आगे पढ़ाएंगे हम, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई कि ये देखना इसमें चेंज आएगा, कोई पाई बाई टू आगे पीछे होगा, यानी इनके बीच में शेप में डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे। फेजर आरेख यानी प्रतिपथ में पहले फेजर आरेख बनाना है। ये हमने मान ली एक्स एक्सिस, ये क्या होती है आपको ऑब्वियसली पता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस अब मैं पहले बना लेता हूं एक का मतलब बेसिस ले लेते हैं ना, हम एक को बेसिस मान लेते हैं फिर उसके आधार पर हम दूसरा बना लेंगे। तो मैं वी साइन ओमेगा टी के लिए मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया ये रहा वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी एम या मैक्सिमम कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कितना एंगल होगा इसके साथ, कितना एंगल बनाया है साइन के साथ, ऐसे होता है ना अपन साइन थीटा होता है, साइन के अंदर जो भी होता है वो उसका एंगल होता है आपको पता है ऑब्वियसली। तो साइन के अंदर एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी, कितना हो जाएगा ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी आ रहा है। अब हम वी एम साइन ओमेगा टी का बना लिया, यानी वी का वोल्टेज का हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे करंट का, करंट का देखो आई एम एक्स साइन ओमेगा टी। तो करंट कितने एंगल पे होगा, करंट ऑब्वियसली कितना एंगल दे रखा है साइन के अंदर ओमेगा टी, यानी उतने ही एंगल पे होगा। पर इसकी वैल्यू कम होगी तो एंगल्स को थोड़ा इधर कर देते, थोड़ा पहले कर देते हैं। तो आई की क्या हो जाएगी, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल दोनों का सेम बन रहा है, इसलिए सेम हाइट पे सेम थोड़ी जो होगा मोड कर्व ज्यादा उठ जाएगा, सेम ही एक साथ ही हो जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में फेजर आरेख, फेजर आरेख। तो ये आप समझ चुके हैं अच्छी भली भांति, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला निकालना है और फॉर्मूले को कंपैरिजन करते हैं अपने आप बिना झंझट के सब कुछ सवाल होते जाएंगे। अब हम आगे करते हैं, अब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन करते हैं। इसको उतार साथ ही साथ उतारते जाइए, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिलेशन। इसका मतलब कि प्रतिरोध और जो फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, उनमें क्या रिलेशन होता है कि भाई एक को बढ़ाएंगे दूसरी कम होगी या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि जो आर होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर सॉरी वी अपॉन आई होता है, आर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई होता है। तो अब इसमें हमें कहीं फ्रीक्वेंसी दिख रही है, मुझे तो भाई कहीं नहीं दिख रही, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि v को अगर हम डिराइव करते हैं वी एम एक्स साइन ओमेगा टी आ जाएगा, वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अगर v का फॉर्मूला लिखेंगे, i का फॉर्मूला लिखेंगे, तो i का क्या आ जाएगा, i मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन से साइन ओमेगा टी कट जाएगा, ओमेगा टी कट जाएगा। तो ओमेगा टी कट गया तो बचा क्या, वी मैक्स अपॉन साइन मैक्स। ये दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं, पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। तो यानी इसमें कई फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आ नहीं तो डिपेंड नहीं करती, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, यानी शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में आवृत्ति एवं प्रतिरोध एक दूसरे पर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, नहीं करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो इनके बीच में अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, एक बार इसको यहां से मिटा दिया जाए और इसको भी हटा दिया जाए, ये भी आप समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। तो एक बार इस सबको उठा देते हैं फटाफट से, डिपेंड नहीं करते। तो मैंने मान लिया इधर, सॉरी एक बार वापिस क्लियर, आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग तो कैसी भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया फ्रीक्वेंसी इधर है और इधर क्या है, रेजिस्टेंस है, इधर मान लिया।
तो मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, अभी देखा हमने डिपेंड कर दी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ चाहे कम करो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। आर की वैल्यू 4 यहाँ पे 0 है तो भी उतनी है, और फ्रीक्वेंसी 4 हर्ज कर लेंगे तो भी उतनी रहेगी, यानी डिपेंड नहीं कर रही। तो ये हमारे बीच में रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रेजिस्टेंस। सो हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कंप्लीट होता है, अगला हमारा परिपथ स्टार्ट होगा।